जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख पार शुक्राना गुरुजी का। परमपिता गुरुजी के कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और सभी गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत जी को भी जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की महिमा का जितना भी गुणगान किया जाए उतना कम है। गुरुजी हमारी लाइफ में इतने मिरेकल्स करते हैं, इतने चमत्कार करते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। वो हमारी सोच से भी ज़्यादा हमें करके दिखाते हैं। संगत जी, गुरुजी अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, उनका बहुत ही ध्यान रखते हैं, उनकी हर छोटे छोटे विश को पूरा करते हैं, उन पर कभी कोई कष्ट आने ही नहीं देते। अगर कोई कष्ट हमारे ऊपर किसी कर्मों के कारण चल भी रहे होते हैं तो गुरुजी हाथ पकड़कर उन्हें हमसे बाहर निकाल देते हैं। गुरुजी हमारे बहुत ही प्यारे हैं, वो हमेशा अपने संगत के अंग संग रहते हैं और उनका कल्याण करते हैं। संगत जी, आज हम आपके सामने 6 सत्संग प्यार शेयर करेंगे जो हमें आंटी जी ने व्हाट्सएप पर शेयर किए हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे सत्संग हैं, छोटे छोटे सत्संग हैं लेकिन सारे ही गुरुजी के ब्लेसिंग से भरे सत्संग हैं और सारे ही शुक्राना सत्संग हैं। तो बिना किसी देरी के हम गुरुजी के मंत्र जाप के साथ आज के सत्संग को शुरू करते हैं। और यदि आप भी अपना कोई सत्संग हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से आपका सत्संग जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए हम आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जो हमें गुरुजी की बहुत ही प्यारी बेटी ने भेजा है, वह अपना नाम रिवील नहीं करना चाहती हैं और वह दिल्ली विकासपुरी से हैं और आंटी जी का ये शुक्राना सत्संग है। तो चलिए शुक्राना सत्संग हम शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं दिल्ली से विकासपुरी से बोल रही हूँ। मैं अपना मंत्र जाप करना चाहती हूँ। शुक्राना करने से पहले ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी को मेरा शुक्राना, दिल से शुक्राना। संगत जी, आप ही है जो हमारे घर घर तक सत्संग पहुँचाते हैं, वरना हमारी का इतनी औकात कि हम कुछ भी बोले। गुरु जी है जो हमें सब कुछ बुलवाते हैं। गुरु जी का जितना हम शुक्राना करें उतना कम है। गुरु जी ने जितना हमें दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। आज मैं अपना गुरु जी से परिचय करवाऊंगी कि मुझे गुरु जी कब मिले थे और कैसे। कहने को तो बहुत लंबा है। मैं 2010 में अपनी मम्मी के फ्रेंड के थ्रू मिली थी गुरु जी से, लेकिन मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि गुरुजी कौन है क्या नहीं। चलो हो गया। फिर मेरी मैरिज हो गई 2013 में। फिर वो ही मेरे को, मेरी मम्मी की फ्रेंड कहती थी कि गुरुजी को मानो। कभी उन्होंने ये नहीं बताया कि मंत्र जाप करो या संसद सुनो, कुछ नहीं। हमने भी ऐसे सुने कि जैसे हम सब भगवान को मानते तो इनको भी मान लेते हैं, ना संसद सुना ना मंत्र जाप किया। उनके घर में बहुत बार सत्संग हुए, जाते थे पर वही लास्ट में पहुंचते थे जब खाने का टाइम। हम सोचते थे गुरुजी क्या है, हमें कुछ पता ही नहीं है, कभी हमने सत्संग सुना ही नहीं है। कितनी बार हुआ लेकिन हमारा गुरुजी से कभी कांटेक्ट नहीं रहा। फिर एक दिन मेरी जो ननंद है उनको भी ख्याल आया कि हमें भी गुरुजी को मानना चाहिए। मैंने ला करके देख लो। उन्होंने भी गुरु जी को ऐसे जैसे मैंने माना ना, उन्होंने भी वैसे ही माना। हम गए लॉकडाउन में गुरु जी के वहाँ पे, जाते थे गुरु जी के वहाँ पे, लेकिन ऐसे कभी सत्संग नहीं सुनते थे। भजन सुनते थे जो हमारे को यूट्यूब में एक दो आते थे ना, वही भजन सुनते थे और वही काफ़ी में लगाते थे, लेकिन कभी ये नहीं सुना ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बस हम वही सुनते थे कि गुरुजी हैं, चल रहे। लॉकडाउन में हमें लंगर प्रसाद भी मिलता था, जल प्रसाद भी मिलता था, लेकिन हम वहाँ नहीं खाते थे, उसको घर पे ले आ लेते थे, लेकिन हमें उनकी महिमा के बारे में कुछ नहीं पता था। फिर उसके बाद हम जाते रहे
फिर 2021 में मैंने गुरु जी को मानना शुरू किया। उनका लॉकेट सफरूप भी मिले थे, मैंने न जाने कितने कितने लोगों को दिया। एक छोटा सफरूप मेरे पास भी था, वो मैंने अपने घर में रखा हुआ था। तो मैं बीच बीच में ना भजन सुनने लग गई थी, ज़्यादा अच्छा लगता था भजन सुनना, लेकिन सत्संग नहीं सुनती थी। एक दिन मुझे पापा की खबर आ गई कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। कोरोना हुआ था उनको, लेकिन हमें नहीं पता था उनकी तबीयत खराब हो, किसी को भी नहीं। तो उनका बाईपास सर्जरी होना था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि उनकी तबीयत ज़्यादा अच्छी नहीं है, उनकी 1% है बचना। मैंने गुरु जी से बहुत विनती की, इतनी विनती की कि शायद तो अपने भगवान के आगे ही पीने की होगी, जितनी गुरु जी भी की। हफ्ते के बाद खबर आ गई कि मेरे पापा आपके चरणों में चले गए। वो जुलाई में आप 5 जुलाई के में आपके चरण में आ गए। गुरु जी आप ना मानो, मैं इतना रोई, जो मैंने आपका सब रूप था वो मैंने तोड़ दिया। उसके लिए मैं बहुत बहुत दिल से माफ़ी मांगना चाहती हूँ गुरु जी, बहुत बहुत गलती हुई मुझसे, मुझे माफ़ करना गुरु जी। जब दिल टूटता है ना तो मन भी बहुत उदास हो जाता है। चलो फिर उसके बाद मैंने सब भगवानों को मानना छोड़ी, क्योंकि मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती थी। हम दोनों के बीच में ना बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि किसने हमारे बीच में ये गलत फहमी बढ़ा दी थी, मेरे को नहीं पता गुरु जी। आज मेरे पापा जहाँ पर भी होंगे ना, मुझे देख के खुश भी होते होंगे, और उनको भी पता है उनकी बेटी बहुत हिम्मत वाली है, लड़ लेगी। फिर 2022 आया, मेरी जो ओनर है वो बहुत गुरु जी को मानती है। गुरु जी आप नहीं मानो कि मैं आपके हर डेली गुरु जी के वहाँ जाया करती थी, हर ट्रस्टे को यहाँ से बस जाती थी। मैं हर ट्रस्टे को, मेरे ख्याल सावन का महीना चल रहा था, मैंने पूरा सावन का महीना अटेंड किया। गुरु जी देखो मेरी किस्मत, बोलते ना भगवान को या गुरु जी को हमसे नहीं चुनना था। हम चल गए खाटू श्याम बाबा। खाटू श्याम बाबा को पता नहीं क्या मानना शुरू करते, मेरे मन में क्या आया, मैं खाटू श्याम बाबा को मानने लग गई। फिर मेरे को ना 11 साल से किसी ने नहीं बोला था कि मेरे को कि अब तुम बच्चा कर लो। मेरी मम्मी ने कहाया, मेरी मम्मी को लगा कि अब तुम बच्चा कर लो। मैंने चलो ठीक है, अब हमारी ये भी चल रही थी खाटू श्याम बाबा और मेरी IVF ट्रीटमेंट भी। मैं कितनी बेवकूफ़ नादान लड़की, जिसने अपने गुरु जी के चरणों में लगाए उसका भी एक बार उन्होंने बोला कि शुक्र करूँ, शुक्राना करूँ गुरु जी का कि उन्होंने भी तो मेरा साथ दिया, उनके वहाँ पे भी गई। बोलते ना जब किस्मत में नहीं होना होता है ना, कुछ नहीं हो सकता। मैं प्रेग्नेंट भी हुई IVF के थ्रू, लेकिन वो बच्चा 1.5 महीने में वो बच्चा नहीं हुआ। वो जन एक 1.5 महीने ही मेरा मिसकैरेज हो गया था गुरु जी। मेरी आवाज़ रुक गई है कि बहुत बहुत रोना आ रहा है। और आप नहीं मानोगे गुरु जी, मेरे हस्बैंड अंकल और ऐसे मानो कि दुनिया ही खो दिया गुरु जी। हमारी दुनिया बहुत ख़त्म हो गई थी, जैसे ऐसा लग रहा था कि दुनिया ही ख़त्म हो गई है। मुझे क्या बोले, मैं बहुत रोती थी, अकेली रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी, ना रिश्तेदारों से। फिर मेरे को लगता था कि जब सपने ही साथ छोड़ती है तो सबसे मुलाकात करनी छोड़ दूँ। एक दिन रोई, बहुत रोई, इतना रोई कि मन नहीं मन करके कि मैं भगवान अपने पास बुला लें। तब गुरु जी ने मुझे पकड़ा, और तब से लेके अब तक गुरु जी के संस्कृत शब्द सुखमणि पाठ का साहिब बस गुरु जी अमृत वेला भी मैं जरूर करूँगी। आपने भी वो मुझे बोला अमृत वेला करने के लिए, वो भी जरूर करूँगी गुरु जी। गुरु जी मुझसे जो भी गलती हुई मैं दिल से माफ़ी मांगना चाहती हूँ गुरु जी, बहुत दिल से IAM सॉरी। पत्नी नादान थे, बेवकूफ़ थे, अनपढ़ थे ना, कि हमने कभी ध्यान नहीं दिया गुरु जी कौन है। हाँ इसे एक बात कहना चाहूँगी, गुरु जी ने जब जिसको चुनना होता है ना, उसका वही टाइम गुरु जी ने लिखा होता है। हम जितनी भी लाख कोशिश कर लें ना,
वो कुछ नहीं कर सकता। गुरु जी, संकट जी मेरा संसंग पड़ा हो गया होगा, इसलिए मैं गुरु जी को पूछना चाहती हूँ कि गुरु जी, जो मुझसे गलतियाँ हुई हैं ना, वो मुझे माफ़ कर दो। अपने माता पिता को समझ कर मुझे हर गलती से मुक्त कर दो। आपका कभी मैसेज आता है कि तेरे पर ब्लैक मैजिक किया गया हुआ है, कभी कहते हैं कि ये हुआ है वो हुआ है, फिर वही द्वारा नेगेटिविटी आ जाती है गुरु जी। संगत जी, ऐसे में फिर वही ख्याल आ जाता है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी। यही मैं अपना वाणी समाप्त करती हूँ। मुझसे जो भी गलती हुई मुझे माफ़ करना, और संगत आंटी आप भी मुझे माफ़ करना, मेरे की गलती को फूल समझकर माफ़ कर देना। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, अब हम आपके सामने अगला सत्संग शेयर करना चाहते हैं, और ये आंटी जी का तीसरा शुक्राना सत्संग है, और आंटी जी के फ़ोन के लास्ट डिजिट नंबर हैं 8484। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, और गुरु जी की प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है, और मैं हर पल गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ, हर पल, क्योंकि गुरु जी हमेशा मेरे साथ हैं। कुछ भी, कोई भी परेशानी होती है, मेरे गुरु महाराज जी हमेशा उसे पल भर में दूर कर देते हैं। गुरु महाराज जी, आप मुझ पर, मेरे बच्चों पर और मेरे अंकल जी पर, पूरी संगत पर अपनी कृपा बना कर रखना गुरु जी। मैं जल्दी ही आपका बड़ा शुक्राना सत्संग करूंगी गुरु महाराज जी, और जो मैंने आपके आगे अरदास रखी है, जो मैं आपसे अरदास करती हूँ गुरु महाराज जी, वो जल्दी ही पूरी करना। और इसी प्रकार से मैं अपना सत्संग को विराम करती हूँ। गुरु महाराज जी, मुझसे कोई गलती होगी तो क्षमा करना, और मैं संगत जी को भी धन्यवाद देती हूँ कि जो वो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं, और इसी तरह से मैं अपने गुरु जी का सत्संग उनके गुरु मंत्र से समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। जी संगत जी, संगत जी, अब हम आपके सामने अगला सत्संग शेयर करते हैं, जो आंटी जी ने हमें व्हाट्सएप पर भेजा है, और ये आंटी जी के फ़ोन के लास्ट डिजिट नंबर हैं 5149, और आंटी जी के दो शुक्राना सत्संग हैं जो हम एक एक करके आपको शेयर करेंगे। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी सबको। संगत जी, मेरा एक छोटा सा संगत है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो उससे पहले मैं गुरु जी का जो मंत्र जाप है वो करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं बताना चाहूँगी आप सबको कि गुरु जी ने मुझे एक ब्लेसिंग दी है, और काफ़ी दिनों से जैसे हम परेशानी में चल रहे थे बहुत टाइम से, और मतलब इतनी कंडीशन ख़राब हो चुकी थी फाइनेंशियली भी, और घर में भी क्लेश वगैरह सब कुछ। तो एक टाइम ऐसा हुआ कि मेरा विश्वास भी गुरुजी पे से थोड़ा सा डगमगाने लगा, लेकिन मन ही मन मैं फिर भी गुरुजी का मंत्र जाप वगैरह करती ही रहती थी। वही कहते हैं ना कि भाई, हम गुरुजी को छोड़ सकते हैं लेकिन गुरुजी अपने बच्चों को, अपने संतान को कभी नहीं छोड़ते। ये और ये बात मैंने खुद रियलाइज़ की है। अब हम जैसे पहले सरकारी क्वार्टर में रहते थे, तो मेरे फादर साहब रिटायर्ड हो चुके, और हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ऐसी थी कि हम अपना खुद का घर नहीं बना पाए, नहीं ले सके, और हम रेंट पे आ गए। तो जब हम वहाँ सरकारी क्वार्टर में रहते थे, तो मुझे रोज़ इस तरह के मैसेज आते थे कि ना कुड़िए, तेरा नया घर बनने वाला है, तेरा नया घर बनने वाला है। और उस बात को कम से कम 2-3 महीने हो गए, लेकिन उसके बाद हमारी कंडीशन और भी ख़राब होती गई, और भी, और हमने एक जगह सामान रखा रेंट पे, वहाँ के जो
मकान मालिक थे उनसे कुछ बात हुई, उसी टाइम हमें हाथों हाथ वहाँ से सामान फिर हमें उठा के दूसरी जगह रखना पड़ा, फिर मतलब इधर से उधर, और इतना सामान हम मतलब पूरी तरह से टूट चुके थे कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हम बर्बाद हो चुके हैं सच में। तो अभी गुरुजी ने क्या किया कि जहाँ अब हम रेंट पे रह रहे हैं तो वहाँ के पड़ोसी से ऐसी कुछ बातचीत हुई कि अभी हम मकान की तलाश में थे तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक छोटा सा मकान है, बिल्कुल ही छोटा सा, जैसे कि 30-31 गज का, 28-30 गज का। तो लेकिन हमारे लिए तो वो भी मतलब बहुत ही बड़ी बात थी कि अगर वो भी मिल जाए तो इस वक्त। तो उसके बाद गुरुजी ने मतलब ना इस तरह से कुछ किया कि मेरे पास जितने पैसे थे ना, और उस पैसों में मकान देना पॉसिबल था ही नहीं, लेकिन गुरुजी ने कुछ ऐसा इंतजाम किया मुझे उन्हीं रुपयों में, और मुझे थोड़ा सा लोन लेना पड़ा और उन्हीं रुपयों में मैंने वो घर ले लिया। इसलिए मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ, दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ सच में। और ये बात मुझे आज समझ में आती है कि गुरुजी मुझे बोलते थे कि तेरा घर बन गया, लेकिन मैं फिर निराश हो जाती थी, कब बनेगा, कैसे बनेगा, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। लेकिन फिर आज मुझे ये बात समझ में आ गई कि वो गुरुजी बोल रहे थे, वो गुरुजी की हर एक बात जो होती है वो सच होती है। और आज मेरा जैसा भी है, छोटा सा ही है बिल्कुल, एक कमरे का, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि चलो गुरुजी ने मुझे छोटा ही सही लेकिन मुझे घर ब्लेस किया। और जो गुरुजी की वचन थे जो कि मैं तुझे घर ब्लेस करूँगा, और गुरुजी की वो बात पूरी हो गई, मैं जो बहुत 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 खुशी है, मैं दिल से गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। शुक्राना गुरुजी। और मैं यहीं अपना सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, और जय गुरुजी सभी संगत को, और जो भी इस सत्संग को सुन रहे हैं उनको भी जय गुरुजी। मैं सत्संग सुनाने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी जब से हमारी लाइफ में आए हैं, हमारी लाइफ में गुरुजी कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जो हमें आगे जाके पता चलती है, और गुरुजी हमें हर तरह से प्रोटेक्ट भी करते रहते हैं। तो मेरा भी एक छोटा सा सत्संग है, गुरुजी ने आज मेरे भाई और भाभी को बहुत बड़े एक्सीडेंट से बचाया। मेरा भाई जो है वो ऑटो रिक्शा चलाता है, जैसे ही आज वो ऑटो रिक्शा लेकर निकला और साथ में भाभी भी थी वो, तो उस ऑटो रिक्शा के जो है ब्रेक फेल हो चुके थे, लेकिन उसको नहीं पता था, और उसका रिक्शा पलटते पलटते रह गया। तो मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी का कि इतने बड़े संकट से गुरुजी ने उसे उन दोनों को बचाया, उन्हें जीवन एक नया जीवन ब्लेस किया। और मुझे बहुत दिनों से मैसेज भी आ रहे थे कि तुझे और तेरे परिवार को नया जीवन ब्लेस किया है, ब्लेस किया। और आज जैसे मेरे भाई ने वापस आते ही मुझे बताया कि रिक्शा के जो है ब्रेक फेल हो चुके थे और हमारे साथ ऐसे ऐसे कुछ हुआ और हम बच गए। तो उसी टाइम फिर मेरे हाथ में फ़ोन ही था, तो मैं यूट्यूब चला रही थी और गुरुजी का उसी टाइम एक मैसेज आता है कि तेरे परिवार पे एक बहुत बड़ा संकट आने वाला था जिससे मैंने उनको बचा लिया है। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सच में मेरा एक भाई पहले इस दुनिया से जा चुका है, उसको 2 अक्टूबर को 3 साल हो जाएंगे, और मैं अब इस हालत में नहीं हूँ कि मैं अब यही दुख फिर से देख सकूँ, और मेरे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है। और मेरा एक भाई है, और मैं चाहती हूँ गुरुजी मेरे परिवार को हर दुख से, हर मुसीबत से बचा कर रखें गुरुजी। मुझे
पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, अगर गुरुजी पहले मेरी लाइफ में आए होते तो मेरा छोटा भाई रोहित इस दुनिया से नहीं जाता। मेरी एक अरदास, इस सत्संग के साथ साथ गुरुजी से एक अरदास भी करती हूँ गुरुजी, कि आप मुझे मेरे छोटे भाई से मिलवाएं कि वो कहाँ है, कहाँ उसका जन्म हुआ है, क्योंकि मैं जानती हूँ गुरुजी आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, आप हर नामुमकिन को मुमकिन करने वाले हैं गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, हर चीज़ के लिए, हर दिन के लिए शुक्राना मेरे मालिक, इस जीवन के लिए शुक्राना, शुक्राना मेरे, ऐसे ही मेरे परिवार को आप ब्लेस करते रहना गुरुजी, और जो भी ये संगत इस सत्संग को सुन रही है मेरे मालिक, उनको भी आप ब्लेस करना मेरे मालिक। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं चाहती हूँ इसी तरह मेरे जीवन में और भी सत्संग आए और मैं आप सबके साथ शेयर करूं। जय गुरुजी, मैं अभी इसी वक्त अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी। जो भी मुझसे भूल चुक, कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना गुरुजी, क्षमा करना संगत जी। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। अब हम आपके सामने अगला सत्संग शेयर कर रहे हैं, ये भी आंटी जी का शुक्राना सत्संग है और आंटी जी के फ़ोन के लास्ट डिजिट नंबर है 2685। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। मैंने पहले भी दो छोटे सत्संग शेयर करे हैं, पता नहीं अभी वो शेयर हुए हैं कि नहीं। गुरु जी का रोज मैसेज आता है, शुक्राना कर, शुक्राना कर। गुरु जी ने मेरे बहुत कष्ट दूर करे हैं, बहुत बहुत सारी बीमारियां मेरी नींद में ही ठीक करी हैं। जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मैं कुछ बातें भूल भी जाती हूँ, जैसे गुरु जी याद लाएंगे मैं बोलती रहूँगी। गुरु जी ने मुझे ब्लैक कलर की तितली और वाइट कलर की तितली में दर्शन दिए, बहुत सुंदर तितली थी, ब्लैक कलर की तितली, बहुत बड़ी तितली के रूप में दर्शन दिए हैं। गुरु जी ने बहुत ही हमारे कष्ट दूर करे हैं। गुरु जी हमारे घर में बहुत ही ब्लैक मैजिक हो रहा है, गुरु जी ने बोला कहीं लाल धागा पड़ा हुआ है या सिंदूर पड़ा है, मैंने बहुत ढूँढा मुझे नहीं मिला। फिर एक दिन गुरु जी का मैसेज आया कि मैंने वो तंत्र मंत्र वाली चीज ढूंढ ली है, उसे मैंने बस कर दिया, बस कर दिया। जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के गुरु जी ने बोला कि मैं और माता रानी तेरे घर आएंगे। मैं अष्टमी करती हूँ, मैंने अष्टमी वाले दिन मुझे क्या पता गुरुजी और माता रानी मेरे घर आए और मैं पहचान नहीं सकी, पर उस दिन बच्चे बहुत खुश होके गए, अष्टमी वाले दिन सब बच्चे बहुत खुश होके गए। जय गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अब ब्लैक मैजिक वजह से ही हमारे काम नहीं बन रहे, गुरुजी का मैसेज आया तुम्हारी खुशियाँ किसी ने बांध रखी हैं। जय गुरुजी ने हमारे बहुत ही कष्ट दूर करे हैं। गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि नवरात्रों के बाद तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, तेरे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। जय गुरुजी, जय गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरे पिता है, गुरुजी मेरी माता है, गुरुजी से मेरा दिन शुरू होता है मंत्र जाप से, रात को मंत्र जाप से ही ख़त्म होता है, सारा दिन गुरुजी मेरे दिल में रहते हैं। जय गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरे बेटे की अब शादी में बहुत रुकावटें आ रही हैं, ये नेगेटिविटी के कारण ही है। गुरुजी वो बोला कि मैं तुम्हारे कष्ट काट रहा हूँ, बहुत ही सख्त कर्म है वो सब मैं काट रहा हूँ। जय गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने बहुत ही बीमारी ठीक करी है मेरी, अब मेरी थोड़ी हेल्थ अब ठीक रहती है, पहले ऐसे बीमार बीमार लगता था शरीर। गुरुजी ने मेरे यूरिन की प्रॉब्लम ठीक करी है, यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम बहुत ठीक करी है। जय गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु, लख लख बार शुक्राना गुरुजी।
गुरु जी के आगे मैं जो जलाती हूँ उसमें गुरु जी ने दो बार मुझे फूल के फूल के रूप में दर्शन दिए। जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना। गुरु जी की जितनी बड़ियाई करें उतनी कम है। जय गुरु जी, जय गुरु, गुरु जी हर पल मेरे साथ हैं। गुरु जी ने बोला कि मैं इतनी खुशियाँ दूंगा तुम्हारी झोली छोटी पड़ जाएगी। जय गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। आगे भी जो सत्संग में सत्संग होएगा मैं शेयर करूंगी, बहुत जल्दी शेयर करूंगी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, अब हम आपके सामने अगला सत्संग शेयर कर रहे हैं। ये आंटी जी ने हमें लखनऊ से भेजा है और आंटी जी का ये 3 शुक्राना सत्संग है। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। आज 7 तारीख गुरु जी का जन्मदिन की डेट है, हम लोग के लिए बहुत लकी है। आज मैं बहुत छोटा सा शुक्राना सत्संग बोल रही हूँ, गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आपने मेरे बहुत कष्ट काटे हैं। मेरे शारीरिक कष्ट तो इतना था कि मैं सह नहीं पाती थी। मैं 30 साल से डिप्रेशन में हूँ और जब से आपने मेरी बाँह पकड़ी है तब से मैं आपकी सत्संग सुनती हूँ और मंत्रोच्चारण करती हूँ, जिससे मेरा मन हमेशा हमेशा बस आपके गुरु मंत्र में, भजन में और यूट्यूब पर आपका देखते देखते मेरा समय कट जाता है, जिससे मुझे बहुत ही आनंद आता है। गुरु जी, आप हमेशा मेरे ऊपर और अपने ऊपर भी कोई कष्ट मत लीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी, जय जय गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय मेरे गुरु पा। गुरु जी, मैं शुक्राना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। गुरु जी कि आपके मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। मैं लखनऊ से बोल रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कम, मैं जितना बखान करूं उतना कम है। गुरु जी मेरे बहुत ही प्यारे हैं और मैं तो 30 साल से डिप्रेशन से बहुत परेशान थी, लेकिन जब से गुरु जी ने मेरी बाँह पकड़ रखी है तब से मेरा डिप्रेशन आधा हो गया है। अब मैं जब खाली बैठती हूँ तब बस गुरु जी के मंत्र जाप, गुरु जी का भजन, सत्संग सुनना और उनका ध्यान करना, यही मेरा काम है। और जब घर में काम करती हूँ तब भी उनके मंत्र जाप को गुनगुनाया करती हूँ। गुरु जी, मेरा बस शुक्राना सत्संग बहुत छोटा है। आपने मुझे बहुत ब्लेस किया है। 777 नंबर ओम दर्शन खाटू श्याम के रूप में दर्शन दिया है। आप मेरे बहुत ही प्यारे गुरु पा हैं, जो कि हम भोले बाबा के रूप में, महाशिव जी के रूप में गुरु पा को
याद करते हैं और जो भी अपना दुख उनसे कहते हैं वो जरूर हमारे कष्ट को काटते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु का, जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर क्षण क्षण का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। गुरु जी के मंत्र जाप से मैं शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। मैं आज 14 अप्रैल को माता रानी के छठे दिन, जो कात्यायनी देवी का दिन है, और मैं गुरु जी के पास बैठकर शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ। संगत जी, जो आंटी सत्संग सुनाती हैं उनकी आवाज़ बहुत प्यारी है। गुरु जी, आप उनका भी कल्याण करें और सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण हो। मेरा यह शुक्राना सत्संग है गुरु जी। सब जानते हैं कि मेरे बच्चों को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। गुरु जी इतने प्यारे हैं, वो तो जान ही जान है। गुरु जी इतनी महिमा है, गुरु जी की इतनी महिमा है जो हम दिल से मानते हैं, और मेरे लिए अगर सही है तभी वह गुरु जी पूरा करते हैं। गुरु जी, मैं बड़े मंदिर का दर्शन करना चाहती हूँ, लेकिन जब आप चाहेंगे तभी मैं आ सकूँगी। शुक्राना मेरे गुरु पा, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना। मेरे पास आपको, आपका बखान करने के लिए अब कोई शब्द नहीं है। ज्ञान बख्शने का शुक्राना, ब्लैक मैजिक दूर करने का शुक्राना। आपकी कृपा से मेरा बेटा बाल बाल बच गया। उसकी गाड़ी एक किनारे खड़ी थी, एक बस वाले ने इतना तेज से टक्कर मारा, लेकिन मेरे बेटे का आपने बहुत बहुत बचा लिया। बेटे के सर पर आपका हाथ है गुरुजी, उसका कुछ भी नहीं हुआ, बाल बाल बच गया। शुक्राना मेरे मालिक, आपका कितना मैं बखान करूं, जितना मैं बखान करूं उतना कम है। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, जो दिया है उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये थे सभी ब्लेसिंग सत्संग, और सारे सत्संग में सबको गुरु जी ने किसी न किसी तरह से ब्लेस किया है, किसी न किसी तरह से चमत्कार किए हैं, उन्हें विश को पूरा किया है। ऐसे ही मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि सभी संगत का कल्याण करें, सबकी विश को पूरा करें और सबके दुखों का अंत करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपको ये सत्संग अच्छे लगे हों और ब्लेस फील हुए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी ज़रूर लिखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।